नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में जाम छलका रहे चार लोगों को काबू किया है। बड़ा सवाल यह है कि चार में से तीन एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी रात के समय थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। देर रात करीब 10 बजे एम्बुलेंस कर्मचारियों को काबू करने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से सभी कर्मचारियों की मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद आरोपियों को शहर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस संचालक शराब का सेवन करते हुए दबोचे गए हैं, कहीं ना कहीं रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के प्रबंधन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर जिन अधिकारियों पर मॉनिटरिंग का जिम्मा था, वे क्या कर रहे थे? क्योंकि यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, समाचार भी प्रकाशित हुए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका ही नतीजा था कि लगातार मरीजों की जान पर खेलकर इस तरह के कुकृत्य किया जा रहा था। लेकिन उम्मीद के मुताबिक सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा है। बता दें कि लगातार सीएम फ्लाइंग की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह जिम्मा विभाग अध्यक्ष या मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी का होता। लेकिन आखिरकार सीएम फ्लाइंग को कार्रवाई करनी पड़ती है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बता दें कि नागरिक अस्पताल में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर घूस मांगने के आरोपी चतुर श्रेणी कर्मचारी व चिकित्सक को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक सप्ताह में लगातार इस तरह की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना थी कि कई दफ़ा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो सामान्य हॉस्पिटल में, जो सिविल हॉस्पिटल में, जो डायल 112 के जो इमरजेंसी पे जो काम आते हैं रात को, जो ड्राइवर्स, वो कई बार शराब का सेवन करते हैं। आज जब रात को करीब 10 बजे तो स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि चार लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे, जिनमें से तीन ड्राइवर जो एम्बुलेंस के थे ऐसे थे जिनकी आज नाइट में ड्यूटी थी, एक था जिसकी दिन में ड्यूटी है। तो उन सबको काबू किया गया है और उनका मेडिकल के लिए स्थानीय जो चौकी इंचार्ज साहब हैं कोकल गेट चौकी के, उनको हवाले किया गया है और उन्हें टेस्ट करवाया है उनका। तो उनमें डॉक्टर साहब ने अल्कोहल स्मेल प्रेजेंट जो है वो लिख के दिया है, साथ में उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। उच्च अधिकारियों को इसमें नियमानुसार कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर विषय है। एक व्यक्ति जो बीमार है और वो एमरजेंसी में उसको रेफर किया जाता है, और ये डॉक्टर, ये इस तरह के ड्राइवर्स अगर उस समय शराब पिए हुए हैं या नशे में हैं तो वो कुछ भी घातक हो सकता है किसी के लिए भी।